जी जो हमारे डीजी हैं यहाँ के, उनको कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज ट्रैफिक पुलिस वाले ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए बाजारों में आके गुंडागर्दी कर रहे हैं, मासूम लड़कों को, मासूम औरतों को जिस प्रकार से गंदी गंदी गाली गलौज कर रहे हैं, हमारे जो दुकानदार भाई हैं जो व्यवस्थित ढंग से अपनी दुकानें चलाते हैं, रोजगार व्यवसाय देते हैं गरीब परिवारों को, जिस प्रकार बाजार में गुंडों की तरह आना और यहाँ सड़कों से सारा जो कस्टमर है वो भाग जाता है, और अगर कोई अगर पढ़ा लिखा इंसान भी अगर बाजार में आता है तो हर बाजार के अंदर वहाँ के प्रेसिडेंट की व्यवस्था है, आप वहाँ पे आए उसके प्रेसिडेंट के साथ बैठे, अगर आपने साथ उस बाजार का टूर करना है तो व्यक्तियों को जो हमारे दुकानदार भाई है उनको बताएं कि इस हद तक अपना माल रखे, पर आप आएंगे और गाली गलौज करेंगे, माँ बहन की गाली निकालेंगे, थप्पड़ निकालेंगे और माल लूट के ले जाएंगे, ऐसा हम हर किसी यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम आज इस पुरानी मंडी चौक जो हमारा ऐतिहासिक चौक है, यहाँ से हम ये मुहिम चलाएंगे और आने वाले समय में एजिटेशन चलाएंगे, जिस बाजार में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा और जब टकराव हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, तो इसके जो जिम्मेदार होंगे वो रथ साफ होंगे, हम नहीं होंगे। और हम आज जिस प्रकार से पहले भी जम्मू का इतिहास है वो अपने स्वाभिमान के लिए डोगरों की पगड़ी को जिसने उछाला हमने उसको खत्म किया, चाहे प्रजा परिषद की जो मुहिम होगी, चाहे बम बम बोले की मुहिम होगी, हम दूसरी बम बम बोले की मुहिम इन्हीं सड़कों पे करेंगे और हम अपनी जान नहीं देंगे। हम जो हमारे सड़कों में आएंगे गुंडागर्दी करेंगे, हम उनके खिलाफ पत्थरों ईंटों से उसका जवाब देंगे। जी हम आपको शरेआम ट्रैफिक पुलिस को कह रहे हैं और डीजी वैद्य जी को कह रहे हैं, आप थानों के इंस्पेक्टर को साथ में लेके हमारे पे डंडे बरसाएंगे। हम पढ़ी लिखी कौम है, हम कोई अनपढ़ गवार नहीं है। जिस दिन हमारी पेट के ऊपर, रेड़ी वालों, फड़ी वालों के ऊपर या दुकानदारों के ऊपर कोई भी आकर हमारी भूख के ऊपर आके लात घूसा चलाएगा, हम उसके ऊपर वापिस ऐसा ही जवाब देंगे पलटकर। ये आज हम इस पुरानी मंडी चौक से एक बात कह रहे हैं, ढंग से आए और ढंग से काम करें और हमें ऐसे कभी भी गुंडों की तरह इस बाजार में आने की जरूरत मत करें। आज हम वार्निंग दे रहे हैं और वार्निंग का मतलब आज समझ जाए, हमने बड़ी एजिटेशन लड़ी है और हम अपनी जाने हाथों पे लेके चलते हैं। जान आपको प्यारी होगी, हमें अपने जम्मू के, खासकर जम्मू के दुकानदार भाई जो हमारे डुगरे हैं, इन डुगरों को हम लुटने नहीं देंगे, ना ही डर के साथ हम जिएंगे, हम जिएंगे स्वाभिमान के साथ जिएंगे। ये मैं आज फिर ट्रैफिक पुलिस को, खासकर डीजी को कहता हूँ। मैं परेड चौक पे आया, खड़ा हुआ था तो मेरी वाइफ का फोन आया कि बेटी को स्कूल से ले आना, तो मैंने उसका फोन उठाया तो जिन देर में ये सामने खड़े हुए थे, वो हमारे बसंत राथ जी जो हमारे आईजी हैं, जो कि बहुत पब्लिसिटी हासिल करने के लिए बाजारों में आ रहे हैं, और इन्होंने मेरा फोन मेरे हाथों से छीना और इन्होंने कहा कि इसको 2 घंटे चौकी बिठाओ, इसको पता चले एक आईजी के सामने फोन पे बात करने का क्या रिजल्ट निकलता है। और मैं 2 घंटे वहां पे बैठ के आया हूं, वहां पे 2 लड़कियां और बैठी हुई थी जिनका इन्होंने फोन छीना हुआ था, और वो जो लड़की थी वो मेरे को कह रही थी भैया किसी तरीके से कोई हाल निकालो, हमारा फोन दे दो, हमने हमारा आज एग्जाम है, हमने एग्जाम में जाना है। तो ये हमारे आईजी साहब जो ये काम कर रहे हैं, इनको तो बहुत पब्लिक इनको बहुत सलूट कर रही है, लेकिन मेरा मानना है कि जब किसी पर्सनल आदमी के साथ ऐसा होता है तो उसको पता चलता है कि ये बसंतराज क्या कर रहे हैं। ओके सुत्रा जी, मैं फड़ी लगाता हूँ सुपर बाजार में, तो हम फड़ी लगाते हैं, हमें तंग कर रहा है ये आईजीपी, ये गुंडागर्दी दिखा रहा है, बदमाशी कर रहा है, गाली दे रहा है, गलत बात है ये, रेडी वालों को सारों को दाड़े मार रहा है, डांडे मार रहा है, रुड्डे मार रहा है, ये कोई तरीका नहीं है, ये अफसर है या अफसर नहीं है, ये अपने हाथ से बाहर जा रहे हैं, देखो गाली दे रहे हैं,